अपमान करने वाले को लौट करके जो अपमान नहीं करता और बल्कि अपने चित्त में भी उद्विग्नता उत्पन्न नहीं होने देता। अपमान कर दिया, गालियां दी और बदले में गाली नहीं दी, बदले में आक्रोश व्यक्त नहीं किया, ये नहीं, आपके चित्त में भी कोई क्षोभ नहीं हुआ, उद्वेग नहीं हुआ, आक्रोश जन्म नहीं ले रहा है, शिकायत का भाव नहीं आया, तो ये अवस्था बहुत ऊंची है। उस कदाचित मन में मन्यु माने क्रोध का उदय होने की बात भी आवे तो उस उत्पन्न होने वाले क्रोध को जो पचा जाता है, सहन कर जाता है, बोले आक्रोष्टारम निर्दहति सुकृतम चास्य विन्दति, ये अवस्था सहन शक्ति की जो आग है वो गाली देने वाले को जला देती है। और सुकृतम चास्य विन्दति, इसके पुण्य आपके खाते में आ जाते हैं, आपके पाप उसके हिस्से में चले जाते हैं। आक्रोश आक्रोश्य मानो ना क्रोशेन, महाभारत का ये अमृत है। और यदि ये मंत्र व्यक्ति के जीवन में उतर जाए ना, ये जपने का मंत्र नहीं, जीने का मंत्र है। आक्रोश्य मानो नाक्रोशेन मन्युरेव तितिक्षतः आक्रोष्टारम निर्दहति सुकृतं चास्य विन्दति। महाराज, गाली देने वाले को जो बदले में गाली नहीं देता, शाप देने वाले को जो बदले में प्रतिशाप नहीं देता, और मन्युरेव तितिक्षतः उस क्रोध को सह जाता है, उस आने वाली आग को पी जाता है, पचा जाता है, तो आक्रोष्टारम निर्दहति, ये सहन शक्ति सामने गाली देने वाले को जला देती है, और उसके हिस्से के जो पुण्य है वो तुम्हारे हिस्से में आ जाते हैं। इतना अनुपम अमृत है, परंतु किसी किसी के भाग्य में होगा।